शिमला जिले में हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 33 लोग घायल हो गए। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की शिपयार्ड फर्मों में से एक, सीबीआई द्वारा 28 बैंकों को 22,800 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के लिए बुक किया गया है। एसईसी ने 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स की सिफारिश की। एक डोज की कीमत है ₹145। 2014 के चुनावों के दौरान उन्होंने कांग्रेस ने मेरा हेलीकॉप्टर पठानकोट में इसलिए रोक दिया क्योंकि उनका युवराज राहुल गांधी पंजाब के दूसरे कोने में दौरा करने जा रहा था। पीएम मोदी, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे, साथियों ये कैसे लोग हैं, इनका चरित्र कैसा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था और मैं चुनाव अभियान के लिए पूरे देश में दौड़ रहा था, राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वहां का काम भी करता था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया, मुझे पठानकोट पहुंचने में 1-1.5 घंटा देरी हुई। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। क्यों? क्योंकि उनके युवराज पंजाब के किसी दूसरे कोने में आने वाले थे, इसलिए मुझे हवाई यात्रा करने से रोक दिया गया था। आप फूड पार्क में जो कुछ भी उगाते हैं, चाहे वो आलू के चिप्स हो या टमाटर केचप, सब कुछ सीधे खेतों से खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आपकी उपज को स्थानांतरित करके निर्मित किया जा सकता है, राहुल गांधी ने होशियारपुर में नवी सोच नवा पंजाब रैली में कहा। होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेक्टर है, फार्म टूल्स का सेक्टर है और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेंगे। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाएगा। आप अपने खेत में माल उगा सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएंगे और सीधा उसको डायरेक्ट पैसा। हिजाब विवाद पर बोलते हुए अगरतला में कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा, हर नियम केवल लड़कियों के लिए है, खाकी हाफ पैंट आरएसएस वर्दी जो गडकरी जी पहनते हैं उन्हें भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि वह भी अश्लील है, लेकिन हम यह नहीं पूछते हैं। तो संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसलिए सबको आजादी है बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ द कॉलेज। सो आई एम सेइंग कि जैसे प्रियंका जी ने ठीक कहा, लड़की को, और सभी रूल लड़की के लिए है। मोदी गडकरी जी जब हाफ पैंट पहनते हैं तो वो तो बैन होना चाहिए क्योंकि वो भी ऑब्सीन है। गडकरी जी जब हाफ पैंट पहनते हैं ना तो वो देखने के लिए ठीक नहीं है।
नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देखें क्या गडकरी जी का पुराना फोटोग्राफ, ये बूढ़े बूढ़े आरएसएस वाले जब हाफ पैंट पहनते तो वो भी ऑब्सीन है, वो ज्यादा खराब है सबके लिए। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपने पुराने मोटे लोग को हाफ पैंट आरएसएस वाले को देखा होगा, तो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, आपके लिए तो छोड़ दो, तो वो भी बैन होना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो मना नहीं करते ना कि गडकरी जी खाकी हाफ पैंट मत पहनिए, लेकिन वो देखने में तो उतना ठीक नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से उन सभी मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए कहा जो जदयू प्रमुख द्वारा उनके पिता लालू प्रसाद यादव पर वंशवाद की राजनीति पर हमला करने के बाद राजनीतिक परिवारों से हैं।